जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इस महीने के पहले सप्ताह में आएगा। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बजट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि अभी भी साल में किसानों को 6000 रुपए ही मिलेंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि सम्मान निधि की 11वीं किस्त में भी किसानों को 2000 रुपए मिलेंगे, जो अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में उनके अकाउंट में आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो रजिस्ट्रेशन जरूर से करवा लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि पेटीएम से बुकिंग पर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा मुफ्त, नए यूजर्स पाएंगे 30 रुपए का फ्लैट कैशबैक। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्वामित्व वाले पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म से एलपीजी सिलेंडर बुक कराने वाले नए यूजर्स के लिए रोमांचक डील्स की घोषणा की है। देश भर में लाखों यूजर्स अपने एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए सुविधाजनक रूप से पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। अभी पेटीएम ऐप पर भारत गैस के लिए बुकिंग विशेष तौर पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि पेटीएम के मौजूदा यूजर्स के पास मुफ्त में सिलेंडर पाने का मौका है। इसके लिए उन्हें पेटीएम ऐप पर भुगतान प्रक्रिया पूरी करने से पहले ही कूपन कोड फ्री गैस का इस्तेमाल करना होगा। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि पेटीएम के मुताबिक इस ऑफर में नए यूजर्स अपनी पहली बुकिंग पर 30 रुपए का फ्लैट कैशबैक भी पा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि आम आदमी को फिर से लगेगा महंगाई का झटका, इस दिन से दोबारा बढ़ने लगेंगे पेट्रोल के दाम। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। वो ये कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल जैसे आवश्यक ईंधनों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई की मार से रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने आगामी 1 अक्टूबर से पेट्रोल के दाम में इजाफा करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि अब 1 अक्टूबर से बिना ब्लेंड किए हुए ईंधन की कीमत में 2 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। इसके लिए 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में खुलेंगे स्कूल कॉलेज, नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की कमी, जाने की DDMA की बैठक में क्या हुआ फैसला। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में स्कूल कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट और जिम खुल जाएंगे। DDMA की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। शिक्षा संस्थानों को खोलने के साथ ही नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील देने का फैसला भी लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं शादी समारोह में अब 250 लोग शामिल हो पाएंगे। बैठक में धार्मिक स्थलों को खोलने का भी फैसला लिया गया है। पर दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि पहले फेज में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। उसके बाद कोरोना के मामले जैसे जैसे कम होंगे तो निचली कक्षा के स्कूल भी खुल जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि बेरोजगारों को हर महीने मिलेगा 3500 रुपए का भत्ता, जाने के इस मैसेज का क्या है सच। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार बेरोजगारों को 3500 रुपए हर महीने भत्ते के रूप में देगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस वायरल मैसेज में ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के तहत बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपए प्रति महीने देगी। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई बताई है। फैक्ट चेक ने ये बताया है कि भारत सरकार की ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसमें कि बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाएं। तो दोस्तों, आप भी सावधान रहिए, इस तरीके के मैसेज को आगे शेयर ना करें और आप भी ऐसे लिंक को क्लिक ना करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मुकेश अंबानी से आगे निकले गौतम अडानी, बन गए एशिया में सबसे रईस आदमी।
दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में सबसे रईस लोगों की सूची में अब बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। खास तौर से रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। यही नहीं, उन्हें पछाड़ने वाले भारतीय उद्योगपति ही हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर भारत और एशिया के सबसे रईस आदमी का तमगा हासिल कर लिया है। इसके साथ ही अंबानी और अडानी ने फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, कोरोना से सर्वाधिक मौतों वाला भारत बना तीसरा देश, 5 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को 5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इसके साथ ही भारत सर्वाधिक मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा देश बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड मौतों का आंकड़ा 5,55,000 पर पहुंच गया। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण से मौतों की संख्या 4 लाख से बढ़कर 5 लाख होने में 217 दिन लगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, आधी रात चुनाव प्रचार करने पर अखिलेश और जयंत सहित 402 लोगों पर मुकदमा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीरवार को प्रचार करने के लिए दादरी विधानसभा आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक दल के जयंत चौधरी सहित 402 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोप है कि दोनों नेताओं ने आचार संहिता और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल की रैली से पहले ही सिद्धू का हाईकमान पर निशाना, बोले कि मुख्यमंत्री थोपा तो लोग विकल्प अपना लेंगे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि 6 फरवरी को राहुल गांधी की लुधियाना रैली और पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस की संभावित घोषणा से पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से हाई कमान को परोक्ष रूप से चेता दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में यदि मुख्यमंत्री थोपा गया तो लोग मौजूदा विकल्प यानी कि आम आदमी पार्टी को अपना लेंगे। किसी का नाम न लेते हुए सिद्धू ने कहा कि पंजाब में 25 साल ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो दूसरों के इशारे पर काम करते रहे। ऐसे लोग कैसे चाहेंगे कि पंजाब में सिस्टम बने और 170 सेवाएं लोगों को घर बैठे मिले। इन लोगों की माफिया से मिलीभगत है। पंजाब में बीते 25 सालों में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान अभी भी जारी है। पिछले दिनों जालंधर रैली में राहुल गांधी ने इसके लिए सर्वे की घोषणा की थी और अब 6 फरवरी की लुधियाना रैली में वो पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, लोकसभा में असादुद्दीन अवैसी बोले, मुझे नहीं चाहिए जेड श्रेणी की सुरक्षा, इसे करता हूं अस्वीकार। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असादुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर गुरुवार को दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे के छिजारसी टोल प्लाजा पर 2 आदमियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अवैसी की गाड़ी में गोली के निशान भी देखे गए। और दोस्तों आपको बता दें कि अवैसी ने लोकसभा में कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं इसे अस्वीकार करता हूं, मुझे ए श्रेणी का नागरिक बना दो, मैं चुप नहीं रहूंगा, कृपया करके इस घटनाक्रम पर मुझे न्याय दो। और साथ ही उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि नफरत और कट्टरता को खत्म किया जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, चीन के साथ खड़ा हुआ रूस तो भारत के समर्थन में खुलकर आया अमेरिका। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार करने का फैसला किया गया था, तब पश्चिम के देश भारत की तरफ देख रहे थे, उनका रुख क्या होगा। पश्चिम को उम्मीद थी कि जिस तरह से चीन सरहद पर भारत के खिलाफ आक्रामक है, वैसे में भारत भी बहिष्कार करेगा। लेकिन भारत ने पिछले साल RIC यानी कि रूस, इंडिया, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विंटर ओलंपिक को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था। और दोस्तों आपको बता दें कि अब जब चीन ने विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में जख्मी चीनी सैनिक को मशाल वाहक बनाया तो भारत को अपना फैसला बदलना पड़ा और उसने भी राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा कर दी। अब अमेरिका ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है। भारत ने जब विंटर ओलंपिक का समर्थन किया था तो कहा गया था कि ऐसा रूस के दबाव में किया गया था। और आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार को बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम में अतिथि बनकर पहुंचे, जबकि भारत अमेरिका के साथ बहिष्कार करने वाले देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, कोरोना के मामलों में 13% की कमी, 24 घंटे में मिले हैं 1,49,394 नए मरीज। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना के नए मामलों में एक दिन के बाद फिर कमी देखने को मिली है। देश में कोरोना संक्रमण के 1,49,394 नए मामले सामने आए और बीते 24 घंटे में ही 1,072 मरीजों की मौत हो गई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।